हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड रिसेंटली जजमेंट एंड दैट जजमेंट इज ए वर्सेस स्टेट ऑफ थाउजेंड एआईआर 2024 सुप्रीम कोर्ट स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है 2024 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का नाम है मलप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका पर्टिकुलर जजमेंट इज रिलेटेड अ अ टॉपिक टॉपिक एंड इज एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस एप्रीसिएशन ऑफ एविडेंस आपके इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर कहिए अधिनियम से रिलेटेड तो आज हम इस जजमेंट में यह देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या कहा और हम साथ के साथ ये भी देखेंगे कि हमें इस जजमेंट को अपने भारतीय साक्षर अधिनियम या फिर कहिए इंडियन एविडेंस एक्ट में कैसे अप्लाई करना है और कहा अप्लाई करना है ठीक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है जहां पर हम इस जजमेंट को कोट कर सकते ओके स्टूडेंट्स चलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक बात कही है हाई कोर्ट से ये अपील गया था हाई कोर्ट से सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब हाई कोर्ट एविडेंस को जज करता है कि उसको वो एविडेंस एडमिट करना चाहिए नहीं एडमिट करना तो वहां पर उसको एक होलिस्टिक व्यू के साथ अप्रोच करना ना कि मायोपिक व्यू के साथ ओके और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एप्रीशिएशन ऑफ एविडेंस इज अ रिक्वायर प्रोसीजर ऑफ द एनी काइंड ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल अगर आप एविडेंस को एप्रिशिएट नहीं करेंगे तो वो एक बायस्ड प्रोसीडिंग के समान माना जाएगा आप किसी भी एक पार्टी के एविडेंस को एप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं आपको दोनों पार्टीज के एविडेंस को एक साथ एप्रिशिएट करना होगा और ये बहुत जरूरी है जब हम साउंड प्रिंसिपल्स की बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट ओके स्टूडेंट्स तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपोर्टेंट और एक बहुत ही अप्रोचिंग व्यू दिया है रिलेटेड टू द एप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस किसी भी कोर्ट का ये ड्यूटी है कि वो एविडेंस को एप्रिशिएट करे ना कि उसको डिफेम करे या फिर उसको डिसरिगार्ड करे ओके okay? क्योंकि जब एविडेंस को एप्रिशिएट किया जाएगा तो उससे जो एक आर्गुमेंट्स हैं, उससे जो डिसीजन है वो डिसीजन बायस डिसीजन कभी नहीं हो सकता दूसरा एक हेल्दी और एक वेल्द डिसीजन पास आउट होगा किसी भी कोर्ट से आइदर इट इज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और आइदर इट इज अ हायर कोर्ट लाइक एज अ हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट आइए समझते हैं कि इस जजमेंट को हम कैसे यूज करें और कहा यूज करें तो स्टूडेंट्स सेक्शन नंबर ऑफ ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड आप कह सकते हैं कि सेक्शन नंबर भारतीय साक्ष्य अधिनियम स्टूडेंट्स तो जरूरी है कि हम दोनों एक्ट्स को एक साथ पढ़ते हुए चले ठीक है जो सेक्शन नंबर फाइव है इंडियन एविडेंस एक्ट का और जो सेक्शन नंबर थ्री है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का दोनों एक ही बात कहते हैं ठीक है जो पहले अब सेक्शन नंबर फाइव था वो अब सेक्शन नंबर भारतीय साक्ष्य साक्षर एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट फैक्टेन इश्यू एंड रिलीवेंट फैक्ट आप जो एविडेंस दे सकते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग में वो किसका दे सकते हैं रिलिवेंट फैक्ट का या फिर फैक्ट फैक्टन तो यहां पर हम ये कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर कोर्ट के सामने कोई भी एविडेंस किससे रिलेटेड आ रहा है आइदर इट इज रिलेटेड टू द फैक्ट फैक्टेन इश्यू एंड आइदर इट इज रिलेटेड टू अ रिलेवेंट फैक्ट तो द कोर्ट कोर्ट बाउंड टू एप्रिशिएट दैट पर्टिकुलर एविडेंस ओके okay, तो वहां पर कोर्ट बाउंड है या फिर कहिए कि उसकी ड्यूटी है कि वो वहां पर उन एविडेंस को एप्रिशिएट करेगा तब जब ये एविडेंस रिलेटेड है रिलेवेंट फैक्ट से और ओके स्टूडेंट्स okay, क्या हम कोई और सेक्शंस भी कोर्ट कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं तो सेक्शन नंबर वन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन वन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 136 एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन नंबर 141 तो क्या कहता है कि जज डिसाइड करेगा कि किसी एविडेंस को एडमिसिबल करना है या नहीं करना है यानी कि इट हैव अ सुप्रीम पावर एंड अ इनहरेंट पावर ऑफ दी जज आइदर टू एडमिट और आइदर टू डिनाई दैट पर्टिकुलर एविडेंस वेन इट इज रिलेटेड टू द रिलेवेंट फैक्ट और द फैक्ट इन इश्यू तो जब कोई एविडेंस रिलीवेंट फैक्ट से रिलेटेड है और फैक्ट इन इश्यू से है तब भी जज के पास ये पावर है कि वो उसको एडमिट भी कर सकता है और डिनाइल भी कर सकता है तो यहां पर आप इस सेक्शन के साथ भी इस केस को लिख सकते हैं मलप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक ओके okay? आपको याद होगा अगर आपने तैयारी में आप है या आपने अपने एल एल बी के अकेडमिक सेशन में ये क्वेश्चन जरूर सबके सामने आता है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटिंग टू द एविडेंस एंड रिलेटिंग टू द सेक्शन नंबर फाइव एंड वन थर्टी सिक्स ज अ को रिलेशन बिटवीन द सेक्शन नंबर फाइव एंड वन थर्टी सिक्स रिलीवेंसी एंड एडमिसिबिली आर नॉट सिनोनिमस एंड नॉट को एक्सटेंसिव जो रिलीवेंसी और एडमिसिबिली है सेक्शन नंबर वन थर्टी सिक्स की बात हो रही है तो जो रिलिवेंसी और एडमिसिबिली है ना ही तो वो सिनोनिमस है ना ही वो को एक्सटेंसिव है कमेंट कीजिए इट मीन्स डेट आप वहां पर भी मलप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक के जजमेंट को कोट कर सकते हैं स्टूडेंट याद रखिए जब भी आप मेन सेंसर राइटिंग करते हैं तो आप एक लैंडमार्क जजमेंट और एक करंट का जजमेंट अगर आप लिखते हैं तो आपकी मेन सेंसर राइटिंग को बहुत ही अच्छा एक हाइक मिल जाता है जो कि आपके मेन्स में बहुत हेल्प करता है अगर आप रिलिवेंसी एंड एडमिशिबिलिटी के रिलेशन के ऊपर जजमेंट लिख रहे हैं तो उसका लैंडमार्क जजमेंट क्या है राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वहां पर रिलेशन बताना होगा राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के जजमेंट। साथ कर्नाटक होगा स्टूडेंट सिर्फ करंट के जजमेंट को पढ़िए मत ना कि हमने सिर्फ करंट के जजमेंट को पढ़ लिया है ये तब तक आपके काम नहीं आएगा जब तक आप इन करंट्स जजमेंट को लीगल प्रोविजंस के साथ अटैच नहीं करेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ अटैच नहीं आई होप कि आपको इस जजमेंट की क्लैरिटी हुई हो, ठीक है थैंक यू